गुरुग्राम के सबसे भीड़भाड़ वाले बाजार सदर बाजार में गुरुग्राम एमसीजी और जीएमडीए ने 9 व्हीकल जोन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, यानी कि अब गुरुग्राम के सदर बाजार में व्हीकल प्रवेश नहीं किए जाएंगे। एमसीजी अधिकारियों के अनुसार आमतौर पर बेतरतीब पार्किंग और अतिक्रमण से भरे रहने वाला यह बाजार पैदल यात्रियों के लिए खाली हो जाएगा। साथ ही यात्रियों के लिए कमान सराय में मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा देने के लिए काम शुरू हो गया है। सदर बाजार में सोना चौक और डाकघर की इमारत के बीच सड़क के दोनों ओर सैकड़ों दुकानें हैं और दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी दुकानों के बाहर सामान रखते हैं। इससे ट्रैफिक भी जाम होता है और पैदल चलने वालों को भी असुविधा होती है। गुरुग्राम सदर बाजार की इस समस्या को समाप्त करने के लिए नगर निगम की तरफ से पूरा प्लान तैयार भी कर लिया गया है और सदर बाजार के अंदर किसी भी व्यक्ति या दुकानदार का वाहन अंदर ना जाए, इसके लिए भी फिलहाल जब तक मल्टी लेवल पार्किंग पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती तो अस्थायी पार्किंग हनुमान मंदिर के पास बनाई जा रही है। बात करें गुरुग्राम के सदर बाजार की, क्योंकि काफी कंजेस्टेड एरिया वो होता जा रहा है, उसके लिए नगर निगम के क्या प्रयास है, क्या योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं? गुरुग्राम का सदर बाजार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बाजार है और ये क्योंकि ये बहुत पुराना बाजार है तो यहाँ आवागमन बहुत ज़्यादा रहती है, लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारा इसमें प्रोजेक्ट चल रहा है इसको डीकंजेस्ट करने का, लोगों की सुविधा के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में एक स्ट्रीट फॉर पीपल प्रोजेक्ट है, जिसके तहत इसको आने जाने वाले जो खरीदार हैं और जो आने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम उनको सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट फोकस है कि ये 9 व्हीकल जोन बने, 9 क्योंकि गलियाँ बहुत नैरो हैं और तो उसके लिए व्हीकल जाना, जो खरीदार हैं उनके व्हीकल हैं और कैरियज व्हीकल हैं, दुकानदारों के व्हीकल हैं, तो वो सब मिलके बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजेशन कर देते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो रेडी पटरी वाले हैं, हॉकर्स हैं, ये इनके कारण भी बड़ा रश रहता है। तो हमने एक बड़ी योजना तैयार की है जिसके तहत लगातार हम मीटिंग्स भी हो रही हैं, कमेटीज भी बनी हैं, उसमें हमारा अभी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव रेगुलर चलती है। एंटी इंक्रोचमेंट में ये रहता है कि जो भी टेम्प्रेरी रेडी वाले लैंड को इंक्रोच करके बैठे हैं ताकि उनको हम हटाते हैं, और अगर वो नहीं मानते फिर उन पर फ़ाइन भी लगाते हैं, दुकानदारों पे फाइन लगता है जिनके सामने बैठे हों। हमारा मेन मकसद है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसे हम कर रहे हैं। सेकंड ये है कि हमने मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है और अभी कमान सराय में भी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि जब तक जो व्हीकल को पार्किंग नहीं मिलेगी तो वो अंदर लेके जाएगा। उसके लिए जब मल्टी लेवल पार्किंग, 3 हमारी मल्टी लेवल पार्किंग चल रही हैं, उसके तैयार होते ही बहुत ज़्यादा डीकंजेशन यहाँ पे कंजेशन ख़त्म हो जाएगा व्हीकल्स का। उसके अलावा जब तक मल्टी लेवल पार्किंग तैयार नहीं होती तब तक हमने अदर अल्टरनेटिव पार्किंग लाइक हनुमान मंदिर के पास, जैन कम्प्लेक्स के पास हमने पार्किंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि जो खरीदार हैं और वो हैं वो वहाँ पे अपना व्हीकल पार्क करके फिर पैदल अंदर जाएं, क्योंकि 9 व्हीकल जोन बनाना है। इसके अलावा वेंडर्स जो हैं उनको भी हम वेंडिंग जोन देने की वो कर रहे हैं ताकि उनके जो आजीविका है उस पर भी कोई असर ना पड़े, लेकिन ये बाजार की। और उसके अलावा हम ब्यूटिफिकेशन भी कर रहे हैं बाजार की, जिसमें टॉयलेट्स से लेके और कारपेटिंग ऑफ रोड है पूरी, वो सब चल रहा है। इसके अलावा जो सर एक ट्रैक की बात की जा रही थी जो गुरुग्राम सदर बाजार के साथ में, वो भी ट्रैक की है? हाँ, उसके लिए भी हमारी इंजीनियर से बात हुई है और अभी रिसेंटली भी मीटिंग हुई थी, तो वो भी हम ट्रैक बनाएंगे और उसका भी आपको योजनाबद्ध तरीके से है। अभी वो नेक्स्ट स्टेप है, पहले हम डीकंजेस्ट करेंगे उसके बाद फिर ट्रैक बनाएंगे। यानी कि अब गुरुग्राम के सदर बाजार में जो भी व्यक्ति वाहन लेकर प्रवेश करेगा उसका चालान किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो खरीदार है, जो पैदल चलने वाले खरीदार है, उनको भी खरीदारी करने में आसानी होगी। और दूसरी तरफ जो सदर बाजार के अंदर रेडी पटरी वाले हैं, जो अतिक्रमण करते हैं, उस पर भी रोक लगाई जाएगी। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के लिए हिमांशु।